सोनहाल स्थित कचहरी क्लब परिसर में पटाखा के अस्थायी दुकान लगाने की मांग को लेकर पटाखे के फुटकर दुकानदारों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में फुटकर पटाखा व्यवसायी गौरव कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष कचहरी क्लब टाउन हॉल में फुटकर पटाखों की दुकान लगता चला आ रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा पटाखे लगाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से जिला प्रशासन द्वारा अभी तक दुकान लगाने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसको देखते हुए पटाखा कारोबारियों में संशय बरकरार है, जिसके मद्देनजर गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर यह मांग किया गया है कि इस साल कचहरी क्लब में दुकान लगाने की जगह का पहले ही निर्धारण कर दिया जाए, जिससे सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने दुकान को सही ढंग से लगा सके और पटाखों की बिक्री कर सके। जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में कुछ स्थानों पर पटाखों की दुकान लगाई जाती है, जिनका चिन्हांकन किया जा रहा है। शहर में उन्हीं दुकानदारों को दुकान लगाने की इजाजत दी जाएगी जो प्रत्येक वर्ष दुकान लगाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोरोना वायरस को देखते हुए सभी दुकानों को कोविड-19 का पालन करना होगा। इस अवसर पर फुटकर पटाखा व्यवसायी दुर्गा प्रसाद, भरत गुप्ता, विक्की गुप्ता, रजिक, नाजिर खान, विवेक अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटाखा व्यवसायी गौरव कुमार गुप्ता और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, अभी तक जितने लोग आए हैं उनकी संख्या की ओर 40 है सर, 40 नहीं 33 सभी। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद ये सब, अब ये जमीन का एप्लीकेशन हो गया, ये पुराना लाइसेंस हो गया जो पिछले साल आया था 2019 का, कितना होता है 500 रुपये का होता है, और जो मतलब यहाँ का जो रेंट होता है वो 80 रुपये रेंट यहाँ का पिछली बार साथ ही 3,500 उसने लिए थे, कुछ टैक्स हमने देना था उनको सर। क्या तो होता है, और तो ये लाइसेंस आपके रजिस्टर में मिलते हैं मुझे मालूम है, पिछले साल अगर आपकी कौन सी सवाल नहीं उसमें आपको लोन बना, ठीक है, ये तो 10 जगह लगता है मिलता है ना, अलग बात है कोई अपना सेटअप कर लिया दुकान पहले से कोई चीज अगर निश्चित हो जाता तो हम लोग भी निश्चित करते हैं, पहले तो हो जाएगा 22 तारीख तक। हाँ सर, तो गौरव कुमार गुप्ता, फुटकर पटाखा व्यवसायी, टाउन हॉल गोरखपुर। हम लोग सर फुटकर पटाखा व्यवसायी हैं टाउन हॉल कचहरी क्लब के, जो कि हर साल दुकान लगाते हैं, लगभग 25 वर्षों से लगाते चले आए हैं, तो आज उसी के विषय में एक ज्ञापन बना के दिया गया है, जिसे हम लोगों के फॉर्म सबमिट का और जमीन आवंटन का, तो इन्हीं सब विषय में अब ज्ञापन दिया गया है, तो साहब के संज्ञान में आ चुका है, उन्होंने कहा है कि उचित निर्णय लेके आपको बताया जाएगा कि कब कैसे क्या करना है। क्या मांग थी? मांग यही था कि हम लोगों के फॉर्म को सबमिट कर लिया जाए, और हर साल की बात इस बात ही भी हम इस साल भी हम लोग पटाखे की दुकान लगा लें, और जैसे हर साल होता है कि ऐन वक्त पे जमीन आवंटन किया जाता है, तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन दिया गया है कि कम से कम हमको 1-2 दिन के पहले जो है ज़मीन आवंटित कर दिया, ताकि हम लोग अपना दुकान जो सेट कर लिया जाए, 3 शेड लगा लिया जाए, ताकि जो 3 दिन का समय मिलता है पटाखा बेचने के लिए, उस 3 दिन में हम लोग अपने पटाखे का व्यवसाय कर लें। पटाखा व्यवसाय में आपको ज्ञापन दिया,
देखिए, पटाखे की दुकानें जो आने वाले पर्व हैं, दिवाली का पर्व है प्रमुखता, उसके लिए पटाखे की दुकानें शहर में कुछ चिन्हित स्थान है वहाँ पे लगती हैं, तो उन स्थानों का चिन्हीकरण किया जा रहा है और पूरा प्रयास ये रहेगा जो पिछली बार के स्थान हैं उन्हीं को चिन्हित किया जाए। और इस बार क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना महामारी के जो गाइडलाइंस हैं और जो SOP है उसका भी पालन करते हुए दुकानें लगाई जाएँ। इसके अलावा शासन से अगर कोई विस्तृत दिशा निर्देश या मार्गदर्शन प्राप्त होता तो उसका पूरा अनुपालन कराया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के क्रम में आज पटाखा व्यवसायियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उनकी अपनी मांगे हैं और उसके लिए उसकी विस्तृत समीक्षा की जा रही है, उसका उस पर निर्णय लेकर लोगों को अवगत भी कराया जाएगा।